एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। चलो पहला एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, मेरे साथ सपोज ये मैं हूँ और ये सड़क है और एक्स एक्सिस है। तो ये मान लो पर्सन यहाँ से 1 मीटर दूर जाता है, फिर ये 0 पे आता है, फिर वापस 1 पे जाता है, -1 पे जाता है, -1 मतलब नेगेटिव एक्सिस, और फिर ये वापस आ जाता है, एक चक्कर पूरा हो गया। तो इधर से जाना 1, आना 2, फिर इधर जाना 3, फिर वापस आना 4, ये एक चक्कर माना जाता है। ऐसे 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 और ऐसे एक चक्कर, पूरे एक चक्कर का टाइम है कैपिटल टी बाई टू, और कैपिटल टी कैपिटल टी। तो इधर से इधर जाने का टाइम कैपिटल टी बाई फोर, वापस आने का टाइम कैपिटल टी बाई फोर, इधर आने का टाइम कैपिटल टी बाई फोर, और वापस आने का टाइम कैपिटल टी बाई फोर, तो टोटल टाइम टी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर बढ़ गई, फिर और बढ़ गई करते करते 1, फिर कम हो गई करते करते 0, फिर नेगेटिव एक्सिस में बढ़ गई पॉइंट -0.2 -0.5 -1, फिर करते करते 0, ठीक है। एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, बात खत्म। अब दूसरा एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, एक स्प्रिंग है और एक मास है। पहले मास यहाँ पर था, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी मान लो ओरिजिन पे 0, मैंने इसको खींच दिया कितना 1 मीटर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0.1, 0.2, 0.5 करते करते 1 छोड़ दिया, कम 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 करते हुए 0, फिर कंप्रेस हो गया कितना 1, फिर वापस आ गया 0, एक चक्कर पूरा हो गया, 1, 2, 3, 4, एक चक्कर पूरा हो गया। तो टाइम की बात करें, एक चक्कर का टोटल टाइम कैपिटल टी, तो इधर से इधर जाने का मीन्स एक्सट्रीम आने का टाइम कैपिटल टी बाई फोर, वापस आने का टी बाई फोर। तो एक तरीके से मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो अपने ऊपर इसमें दे रहा था, सेम ही चीज़ है, बस मैंने एग्जाम्पल चेंज किया, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, टाइम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। एक और एग्जाम्पल लो पीरियोडिक मोशन का, पेंडुलम। पेंडुलम यहाँ से चला एक्सट्रीम, वापस नेक्स्ट एक्सट्रीम, वापस एक चक्कर पूरा। तो इधर से इधर जाना डिस्प्लेसमेंट मान लो 1, वापस आना 0, इधर आना -1, इधर आना 0, वो सेम एग्जांपल है। और टाइम की फॉर्म में कैपिटल टी बाई फोर, कैपिटल टी बाई फोर, कैपिटल टी बाई फोर, कैपिटल टी बाई फोर, तो टोटल टाइम कितना फिर से टी। तो क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो सेम एग्जांपल था, कोई मर्जी पीरियोडिक मोशन ले लो। अब एक स्टूडेंट कहता है ठीक है कोई भी ले ले, मैंने कहा कोई भी ले लो। वो कहते हैं काम करते हैं, मेरे को चैप्टर आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं वो लेता हूँ, क्योंकि एक बॉडी पूरा घूमती है और एक चक्कर कवर करती है इन टाइम कैपिटल टी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन में है। मैंने कहा ठीक है शुरू करते हैं। वो कहते हैं इमेजिन करो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो आपने वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट्स को देखना है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है वाई एक्सिस में, एक्स को नहीं देखना, वो कहता वाई को देखना सिर्फ। डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और मैक्सिमम कितनी 1, ये वाई की मैक्सिमम वैल्यू 1। फिर मैं आगे चलता हूँ, वैल्यू कम हो गई 0.9, 0.8, 0.5, 0.4, 0.2 करते करते 0। फिर मैं और आगे चलता हूँ, -0.1, -0.2, -0.5, -1। फिर मैं और आगे चलता हूँ, -0.9, -0.5 करते करते वापस 0। देखो अगर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट देखो तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रही है पीरियोडिकली इसमें और इनमें तो कोई फर्क ही नहीं, ये भी तो यही था। अगर आप x को छोड़ दो, चलो x की जगह y नाम लगा दो, क्या फर्क पड़ता है x और y में? तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0.1, 0.2, 0.5 करते करते 1, फिर करते करते 0, फिर -1, फिर 0। जब कोई एग्जाम्पल ले लो ऊपर वाला या ये ले लो, फर्क तो है ही नहीं कुछ भी। तो 0 से करते करते 1 से करते करते 0 से करते करते -1 से करते करते 0। मैंने पूछा अच्छा टाइम में बता, वो कहता देखो यहां से यहां आने में टाइम पीरियड टी बाई फोर, यहां से यहां आने में टी बाई फोर, इधर से इधर आने में टी बाई फोर, और इधर से इधर आने में टी बाई फोर, तो टोटल टाइम कितना टी। बिल्कुल सही है। तो मतलब ये एग्जाम्पल्स और इस एग्जाम्पल में कोई फर्क है ही नहीं, तो ये भी पीरियोडिक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको भी पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा चक्कर कैपिटल टी टाइम में पूरा हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब क्योंकि हमें चैप्टर जो आता है या हमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आता है, क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं, तो हम क्या करेंगे जितने भी एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन के रहेंगे, जैसे चाहे मेरा चलना हो, स्प्रिंग मोशन हो, या पेंडुलम हो,
या कोई भी पीरियोडिक मोशन हो उसको अपने मन में कंपेयर कर लेंगे विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है ये देखो, जैसे सपोज करो, मान लो मेरा एग्जांपल है, अगर मैं यहां पर हूं, आप एक्स को ना देखें, आप चाहे इसको वाई कर लें कोई फर्क नहीं, तो जब मैं यहां पर हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। फिर मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.51। सर्कुलर मोशन में अगर कंपेयर करना है तो अगर मैं अपनी मीन पोजीशन पे हूं तो सर्कुलर में मैं यहां पे हूं, और फिर वो मैं यहां से एक्सट्रीम वन पे जा रहा हूं तो मैं, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए वन पे चला गया। तो जब मैं एक्सट्रीम पे हूं तो मैं सर्कल में यहां पे हूं, फिर मैं वापस मीन पे आ गया तो मैं यहां पे हूं, फिर मैं उल्टी एक्सट्रीम पे चला गया मैं यहां पे हूं, फिर मैं वापस मीन पे आ गया, फिर मैं वापस आ गया। अच्छा, पेंडुलम को कंपेयर करें, जब पेंडुलम मीन पे है तो यानी कि पोजीशन यहां पर है, जब वो एक्सट्रीम पे चला गया वन पे तो यहां पे चला गया, जब वो वापस जीरो पे आ गया यहां पे आ गया, फिर वो -1 पे आ गया यहां पे आ गया, और फिर वापस जीरो पे आ गया यहां पे आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो किसी भी आप पीरियोडिक मोशन को कंपेयर करेंगे विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जब आप कंपेयर करेंगे तो उसकी वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करेंगे, एक्स में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक्स में कर नहीं सकते, मैं अपनी थ्योरी वाई के हिसाब से बना रहा हूं, एक्स में कर सकते हैं, बाद में समझाऊंगा कैसे करना है, बट अभी तक क्लियर है यहां तक? कंपैरिजन समझ में आ रहा है कैसे करना है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो कोई जरूरी नहीं ना कि अगर मैं यहां पे चलना शुरू करूं तो मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 ही होगा। क्या आप तक 3 हो, क्या आप तक 4 हो, क्या आप तक 5 हो, क्या आप तक 100 हो, ये तो कोई जरूरी नहीं कि 1 मीटर ही होगा, राइट? पर हाँ, इस एग्जाम्पल में मेरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है 0.1, 0.2, 0.5, मैक्सिमम कितनी हो जाती है 1, उसके बाद कम हो जाती है, और इधर से मैक्सिमम कितनी हो जाती है -1, फिर कम हो जाती है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को इस चैप्टर में नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जैसे इसमें पेंडुलम जरूरी नहीं कि 1 मीटर तक जाए, क्या आपका 10 मीटर तक जाए, 5 मीटर तक जाए, तो वो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड। इसमें एम्पलीट्यूड कितना लिया मैंने, 1, पर एम्पलीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? अगर मैं मान लो 1 मीटर लेता हूं एम्पलीट्यूड, मेरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो सर्कुलर मोशन में उसको कैसे कंपेयर करेंगे? मैं यहां से स्टार्ट हुआ था 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, तो ये पूरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, पर ये सर्कल का क्या है, रेडियस। तो सर्कल का रेडियस जब आप कंपेयर करेंगे अपनी पीरियोडिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो ये क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा। क्लियर यहां तक? तो जैसे अगर मान लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 की जगह a है, ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी, तो ऐसे केस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो सर्कल में अब रेडियस 1 मीटर का नहीं बनेगा, सर्कल में क्या बनेगा, a का बनेगा। जैसे 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इसमें, a। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर 5 मीटर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है पीरियोडिक मोशन में, तो सर्कल का रेडियस 5 हो जाएगा। अगर 7 मीटर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो सर्कल का रेडियस 7 हो जाएगा। सिंपल। तो ए है तो ए हो जाएगा। क्लियर है? और ये तो मैंने बता ही दिया, एक चक्कर टी बाई फोर, फिर टी बाई फोर, फिर टी बाई फोर, फिर टी बाई फोर। जैसे पेंडुलम में 1, 2, 3, 4 चार क्वाड्रेंट्स, इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 चार क्वाड्रेंट्स, ठीक है यहां तक? अब सपोज करो पेंडुलम के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 1 नहीं है, 5 है, तो ठीक है, इसकी वाई की वैल्यू या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो ये कैसे कवर कर रहा है, 0 से 5, 5 से 0, -5 और 0, तो सर्कल का रेडियस यहां पर क्या बनेगा, 5। तो जब पेंडुलम यहां पर होगा तो आप सर्कल में यहां से स्टार्ट करेंगे, y इंक्रीज होता हुआ 5, y इंक्रीज होता हुआ 5, फिर y 5 से 0, y 5 से 0, फिर 0 से -5, 0 से -5, और -5 से कितना, 0। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो समझ में आ रहा है, कोई भी सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा उतना ही रेडियस बन जाएगा इसमें। अब इसके अंदर अब मैथमेटिकली बात करते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट इन पीरियोडिक मोशन। इसके अंदर सपोज करो कोई भी पेंडुलम है, कोई मोशन स्प्रिंग मास मोशन है, या कोई भी पीरियोडिक मोशन है, उसको हम सर्कल से कंपेयर करते हैं। अब जब सर्कल से कंपेयर करते हैं तो मान लो आपका जो पेंडुलम है, जैसे पेंडुलम लेते हैं, चलो एक पेंडुलम है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी मीन पोजीशन है,
तो जब पेंडुलम चला तो टाइम क्या था? जीरो। और यहां से यहां आने में टाइम पीरियड कितना है? T/4। तो जब पेंडुलम चला तो वो यहां पे है, तो यानी कि सर्कल में यहां पे है। और जब पेंडुलम T/4 एक्सट्रीम पे जाएगा तो यहां पे पहुंच जाएगा, राइट? पर इमेजिन करो किसी भी इंस्टेंट पर पेंडुलम यहां पर था जब टाइम क्या था? स्मॉल टी। तो स्मॉल टी इंस्टेंट पर पेंडुलम यहां पर था, तो सर्कुलर मोशन में यहां कहीं होगा वेयर स्मॉल टी इज लेस देन कैपिटल T/4, क्योंकि कैपिटल T/4 पे तो ऊपर चढ़ जाएगा या एक्सट्रीम पे चला जाएगा। यहां पर क्या है? स्मॉल टी पे है, तो स्मॉल टी पे जीरो और कैपिटल T/4 के कहीं बीच में कहीं पर भी ले लेते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पर पेंडुलम यहां पर है एट टाइम स्मॉल टी, तो सर्कुलर मोशन के अंदर वो यहां पर कहीं पाया जाएगा। और किसी भी इंस्टेंट पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वाई। कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जैसे पेंडुलम यहां पर है जब वो एक्सट्रीम पे जाता है, एक्सट्रीम पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? ए। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? ए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी रास्ते में है, तो रास्ते में वाई की वैल्यू कितनी है अभी? सिर्फ किसी इंस्टेंट पर वाई, तो ये रहा वाई, जीरो इंक्रीज करता करता वाई। और क्योंकि रेडियस ही एम्पलीट्यूड होता है, तो इसको ज्वाइन कर ले तो ये क्या है? एम्पलीट्यूड। सर्कुलर मोशन अगर आपको याद हो तो सर्कुलर मोशन में एंगल्स लेते थे हम, और स्टैंडर्ड एंगल हमेशा क्या होता है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? ओमेगा टी। मैं याद करा दूं क्यों? वो इसलिए कि अगर एक सर्कल में कोई बॉडी मूव करे और एक चक्कर कैपिटल टी टाइम में काटे, तो जब भी सर्कल में कोई बॉडी मूव करती है और एक चक्कर कैपिटल टी टाइम में काटती है तो सेंटर पे एंगल कितना कवर करती है? 2π। तो ऐसे केस में अगर कैपिटल टी टाइम पीरियड है तो एंगल कितना है सेंटर पे? 2π। अगर 1 है 2π/t, और अगर स्मॉल टी है तो 2π/T × t। तो 2π/T क्या है? ओमेगा। तो इसके स्टैंडर्ड एंगल क्या बनेगा सेंटर पे? ओमेगा टी। तो यानी कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल टी पे पार्टिकल यहां पर है, उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वाई है, उस इंस्टेंट पर पार्टिकल का सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना है? ओमेगा टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? इस ओमेगा टी एंगल को जो सर्कल के सेंटर पे बनता है, जब भी हम किसी भी पीरियोडिक मोशन को कंपेयर करते हैं सर्कल के साथ, तो सर्कल पे तो सेंटर भी, सर्कल के सेंटर पे एंगल भी बनते हैं, उसको एंगल नहीं बोलते इस चैप्टर में, उसको फेज बोलते हैं। तो ये क्या कवर हुआ? फेज। वो तो होता एंगल ही है, बट कंपैरिजन में इसको क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो फेज कितना कवर हुआ? ओमेगा टी। अच्छा ये बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ओमेगा टी क्या है? वाई बाई ए। तो ये रहा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? ए साइन ओमेगा टी। तो आपके पास एक, और ओमेगा टी क्या है इसका? फेज। आपके पास इसमें वाई की क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई। ये बड़ी काम की चीज आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई? ए साइन ओमेगा टी। अब ये आपको देगी क्या? किसी भी टाइम स्मॉल टी पे पार्टिकल की क्या देगी आपको? इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट। मैं लगा के दिखाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम में लगा के दिखाता हूं, क्योंकि रिजल्ट हमने बनाया तो सर्कुलर से, पर क्योंकि हमने पेंडुलम या कोई भी मोशन को कंपेयर किया विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और हमने ये एक फॉर्मूला बाहर निकाला, चलो पेंडुलम पे लगा के देखते हैं। अगर पेंडुलम पे ये रिजल्ट लगाएं, तो अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर पेंडुलम जब चला तो टाइम क्या था? जीरो। तो बताओ वाई क्या था? वो आपको मन में पता है कि वाई जीरो है, पर चलो इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। ए साइन ओमेगा टी में स्मॉल टी को जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो इज जीरो, आंसर क्या आएगा? जीरो। सही है। अच्छा यहां पे करते हैं, यहां पर आने में टाइम हो क्या जाता है? कैपिटल T/4। तो इस इक्वेशन में ए साइन ओमेगा टी में स्मॉल टी को कैपिटल T/4 पुट करेंगे, ओमेगा क्या होता है? 2π/T, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, क्या आएगा? π/2, यानी कि 90। साइन 90 क्या होता है? 1। चेक करो आंसर क्या आ रहा है? ए। वो तो मैं पहले ही पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एम्पलीट्यूड क्या आएगा? ए। फिर यहां लगा के देख लो, यहां पर टाइम क्या होगा? 3T/4। वो क्यों? यहां से यहां आने में टाइम कैपिटल T/4, यहां से यहां आने में टाइम अगेन प्लस कैपिटल T/4 यानी कि T/2, फिर प्लस T/4, तो टोटल क्या हो गया? 3T/4। तो यहां पर जब पुट करोगे ओमेगा टी में स्मॉल टी को 3T/4, तो टी से ओमेगा को 2π/t में टी से टी कैंसिल, 3π/2। तो मेडिकल के स्टूडेंट को करनी जो होती है, साइन 3π/2 - 1 होता है, आंसर ऑटोमेटिकली क्या है? माइनस है। मैं सिर्फ ये वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से
आप किसी भी पीरियोडिक मोशन में y की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी टाइम पे। जैसे कल को आप मुझसे ये पूछ लो कि सर पेंडुलम मूव कर रहा है, ये बताओ कि टी बाई फोर पे कहाँ मिलेगा, वो तो मुझे पता ही है टी बाई फोर पे यहाँ मिलेगा, बात खत्म। लेकिन किसी ने पूछ लिया टी बाई सिक्स पे कहाँ मिलेगा, टी बाई एट पे कहाँ मिलेगा, टी बाई ट्वेल्व पे कहाँ मिलेगा, तो फिर अब मेरे को तो पता नहीं, डायग्राम देख के कैसे बताऊंगा। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि आपको किसी भी इंस्टेंट पर वाई की वैल्यू दे रहे हैं, और स्मॉल टी आपने मुझे क्या दिया टी बाई सिक्स, ओमेगा को पुट करूंगा टू पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, साइन ऑफ पाई बाई थ्री 60 डिग्री, रूट थ्री बाई टू, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी रूट थ्री बाई टू इन टू ए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपको वाई की वैल्यू जो है वो रूट थ्री ए बाई टू, पॉइंट की फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब आप मुझसे ये पूछ लो कि एक घंटे 15 मिनट 15 सेकंड पे पेंडुलम कहाँ मिलेगा, अब पुट कर लो ना स्मॉल टी को, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट पुट करोगे आपको वाई तब भी पता लग जाएगा। यही तो खास बात है इस इक्वेशन की, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं एक घंटा बैठूं पेंडुलम कहाँ मिलेगा, आप इक्वेशन में स्मॉल टी को पुट करो कॉरस्पॉन्डिंग वाई आ जाएगा। समझ में आया ही हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी पीरियोडिक मोशन में पार्टिकल की क्या निकाल रहे हैं, इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि पेंडुलम यहां से स्टार्ट लिया मैंने, ऊपर इक्वेशन में पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ, कोई कहता है मैं पेंडुलम यहां से स्टार्ट ही नहीं करता, मेरा क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होता है, मैं तो अपना क्वेश्चन यहां से मैं स्टार्ट यहां से करता हूं, पेंडुलम यहां से स्टार्ट हो रहा है फिर यहां से गया वापस आया, ठीक है मैंने थ्योरी ऐसे बनाई ऐसे बनाई, वो कहता मैं तो ऐसे बनाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। तो कोई कहता है ठीक है पेंडुलम अगर यहां से स्टार्ट होता है मीन से, तो ये मैंने आपको बना के दिखाया, तो वाई क्या होगा ए साइन ओमेगा टी, हमने कर लिया ये तो ठीक। पर कोई कहता है कि पेंडुलम मीन पोजीशन से स्टार्ट ही नहीं करता, मैं तो पेंडुलम यहां से स्टार्ट करूंगा कहीं बीच में कर दूंगा। तो अब अगर मैं इस मोशन को सर्कल के साथ कंपेयर करूं, अगर पेंडुलम यहां से स्टार्ट होता तो मैं यहां पे होता, एक्सट्रीम जाने का मतलब यहां पे होता, पर मैं तो कहीं यहां पर कहीं हूं, तो यानी कि कहीं यहां कहीं हूं, तो यानी कि अब मेरा सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट ही नहीं होगा, मेरा सर्कल का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, लिख लेना एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू जीरो, यहां से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि नॉर्मल तो पेंडुलम यहां से स्टार्ट होते हैं तो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, पर इस बार थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब जब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो हम अपना रेफरेंस पॉइंट तो यही लेते हैं नो डाउट, तो हम ये बोल देंगे कि हमारे रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस लाइन से पेंडुलम फाइ एंगल आगे से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एंगल आगे से स्टार्ट हुआ तो इसका फेज थोड़ा सा आगे की तरफ से स्टार्ट हुआ, क्लियर है यहां तक। तो फाइ एंगल आगे से स्टार्ट हुआ, तो मान लो आपका पेंडुलम यहां से स्टार्ट हुआ और टी टाइम में वो यहां पहुंच गया, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल टी वो यहां पहुंच गया, और मुझे पता है सर्कल के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं किसी भी इंस्टेंट पर ओमेगा टी, पर ओमेगा टी आपने लेना यहां से है, यहां से नहीं लेना आप, ये पूरा एंगल ओमेगा टी नहीं लेंगे आप, यहां से ये छोटा एंगल ओमेगा टी लेंगे, रीजन क्योंकि जब आप ओमेगा टी में टाइम को स्मॉल टी को जीरो पुट करेंगे आप देखें आप यहीं पे आ जाएंगे, और यही चाहते हैं आप यहां पे आए, इसलिए आपने एंगल ये लेना है पूरा नहीं लेना, क्लियर है यहां तक। क्योंकि जब आप यहां से एंगल लेंगे और ओमेगा टी में स्मॉल टी को जीरो पुट करेंगे आप वापस यहीं आ जाएंगे, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही था, आपको यहीं आना बनता है। तो अब इस केस में अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल लूं और ये बोलूं कि पेंडुलम की किसी भी टाइम पे या पीरियोडिक मोशन में कोई भी पार्टिकल है उसके डिस्प्लेसमेंट वाई है एम्पलीट्यूड ए है, तो टोटल एंगल कवर कितना हो गया अपनी पुरानी रेफरेंस लाइन से, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई क्या होगा वाई डिवाइडेड बाई ए, तो वाई की ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको ये नहीं पूछा जाएगा डायग्राम कैसा बना, ये कोई नहीं है, ये तो मेरी इंटरप्रिटेशन है, मैं ऐसा देखता हूँ इस पूरे चैप्टर को, तो बुक कैसी देखती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ फॉर्मूला से शुरू करती है, तो हम बिल्कुल बना के देख रहे हैं, आपको ये कुछ याद नहीं करना, जो याद करना है मैं बॉक्स में मार्क करवाऊंगा आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है। तो आपने एक चीज देखी, अगर पेंडुलम मीन से स्टार्ट होता है तो आपने इक्वेशन याद कर ली y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बात खत्म। अब अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको ऐसी इक्वेशन गिवन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपको देखते ही पता लगेगा कि ये पेंडुलम या कोई भी बॉडी अपनी मीन से स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हुई है, बस इतना ही पता होना चाहिए।
कि क्वेश्चन रीड करते ही आपको पता हो कि phi का मतलब क्या है। phi क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, pi by 3, pi by 6, जो गिवन होगा, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो इस फॉर्म की क्वेश्चन का मतलब ये है, पीछे phi लगने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अपनी मीन से स्टार्ट नहीं हुई। तो इसमें मैंने क्या सिखाया, इसे क्या बोलते हैं, फेज। ये पूरा का पूरा एंगल क्या होता है, फेज। और phi को बोलते हैं, याद रखना, लिख लेना, इनिशियल फेज। phi इज नोन एज इनिशियल फेज, ठीक। तो phi इज नोन एज इनिशियल फेज। तो जिन क्वेश्चन में इनिशियल फेज होते हैं, मतलब वो अपनी मीन से नहीं स्टार्ट होते। सोचे किसी क्वेश्चन में phi है ही नहीं, जीरो है, phi जीरो है। तो सोचें अगर phi जीरो है, डायग्राम में phi जीरो है, तो ये पॉइंट अब यहां शिफ्ट हो जाएगा और आपकी क्वेश्चन वही बन जाएगी, a sin omega t, ठीक। तो एक तो इक्वेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। दूसरा, जब आप पेंडुलम के या कोई भी पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स करेंगे, तो जब आप इन टाइप के प्रॉब्लम्स को करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोई किताब y इक्वल टू a sin omega t की क्वेश्चन लगा रही है, कोई cos की लगा रही है, कोई माइनस a sin लगा रही है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो क्या रहा है, कि हमने तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या याद की हुई है, y इक्वल टू a sin omega t। देखो कैसे, अगर आपका पेंडुलम या कोई भी पीरियोडिक मोशन मीन से स्टार्ट होता है, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a sin omega t, बात खत्म, ये तुमने कर लिया याद। लेकिन अगर आपका पेंडुलम एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है, कोई कहता है मैं तो स्टार्ट ही यहां से करूंगा, तो कोई बात नहीं। अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे, एक्सट्रीम पे जाने का मतलब अगर मैं सर्कुलर से कंपेयर करूं, तो ये मीन था और ये क्या था, पहला एक्सट्रीम, वो यहां से स्टार्ट कर रहे। अगर वो यहां से स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब वो पाई बाय टू एंगल फाई की वैल्यू क्या होगी इसमें, पाई बाय टू। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल फेज क्या होगा इसमें, पाई बाय टू। वो पाई बाय टू आगे से स्टार्ट कर रहे, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए साइन ओमेगा टी नहीं, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब मैथ्स में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपकी ये इक्वेशन यूज होगी। तो जिन ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स में आपका कोई भी बॉडी मीन से स्टार्ट, स्पेशली पेंडुलम्स, ज्यादातर क्वेश्चन पेंडुलम पे आते हैं, मीन से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो ये इक्वेशन। पर अगर आपका पेंडुलम एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर मीन पे आ रहा है, राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर मीन पे आ रहा है, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी, ए कॉस ओमेगा टी। और सही भी है, क्यों, क्योंकि जब मैं इसमें टाइम को जीरो पुट करूंगा, कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो देखो सही है ना, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ रही है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ए, तो कॉस की इक्वेशन है। लेकिन अगर आपका पेंडुलम स्टार्ट तो यहीं से होता है, राइट जाने के बजाय लेफ्ट। अब हमारा जो हमने थ्योरी बनाई वो ऐसी नहीं थी, हमारी थ्योरी कहती है यहां से स्टार्ट होके इधर आना फिर इधर जाना, यानी कि पाई बाय टू आगे जाना, पाई बाय टू और आगे जाना। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद सर्कुलर मोशन, तो इस पोजीशन का मतलब ये पोजीशन, इस पोजीशन का मतलब ये पोजीशन, और इस वापस आने का मतलब यहां पोजीशन। तो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इनिशियल फेज phi इस केस में क्या बनेगा, पाई, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई। और मैथ्स में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस 180 प्लस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। और अगर आपका पेंडुलम यहां से स्टार्ट होकर राइट जा रहा है, तो सोचें स्टार्टिंग तो आपने यही लेनी है, पहले वो इधर गया होगा पाई बाय टू, फिर वापस आया होगा पाई बाय टू, फिर इधर गया होगा पाई बाय टू, तो टोटल क्या हो गया, थ्री पाई बाय टू। तो उसका इनिशियल फेज क्या माना जाएगा, थ्री पाई बाय टू। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। तो आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए। तो आज के बाद अगर न्यूमेरिकल में 90% न्यूमेरिकल तो यहीं से स्टार्ट होते हैं, तो y is equal to a sin omega t, खत्म। अगर आपका कोई मान लो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जिसमें पेंडुलम एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है राइट, तो ये क्वेश्चन, तो कॉस लगा लेनी है। और अगर राइट की बजाय लेफ्ट पे आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, ए साइन ओमेगा टी की जगह माइनस ए साइन ओमेगा टी। और अगर राइट एक्सट्रीम की जगह लेफ्ट एक्सट्रीम है, तो ए कॉस ओमेगा टी की जगह माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, चार इक्वेशन। तो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग कैसे वैल्यूज लगेंगी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ, ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो ये मेरी इंटरप्रिटेशन है पूरी पीरियोडिक मोशंस की, ठीक है। किताब ऐसी शुरू नहीं करती, आपको किताब में ऐसे डायग्राम दिखने भी नहीं वाले, मैं ऐसा व्यू करता हूँ।
और आजकल आप भी ऐसा ही व्यू करेंगे, ऑब्वियसली मैंने आपको ये दिखाया, तो हर न्यूमेरिकल को मैं ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक। तो अब इसके अंदर आपको अगर मान लो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है, वो कह रहे हैं मान लो एक पीरियोडिक मोशन है, और पीरियोडिक मोशन क्या गिवन है, वाई इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t, तो बताएं इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब देखो आज की लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 8 sin ओमेगा t, तो पक्की बात है एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा इसमें, 3। तो ये देखना आना चाहिए आपको, देखना आ रहा है यहां तक, तो ऊपर की थ्योरी में तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ वाई इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t में एम्पलीट्यूड क्या है, आप बोलेंगे 3। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहेगा एम्पलीट्यूड कितना है, क्योंकि साइन क्या कहेगा, कोफिशियंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड। पूछेगा इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज क्या है, पाई बाय 6, बताया ना पाई बाय 6 कैसे, ठीक। ये आता है नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में, नीट में, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद आता है। इसमें आपको इक्वेशन दे रहा है y इज इक्वल टू 3 cos ओमेगा t और 4 sin ओमेगा t। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सिर्फ cos में होता तो एम्पलीट्यूड होता 3, अगर ये इक्वेशन अकेली होती तो एम्पलीट्यूड होता 4, दोनों है। अब समझ नहीं आ रहा 3 बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं कि कुछ और बोल रहे हैं, तो क्या होगा एम्पलीट्यूड, ये निकालना पड़ेगा। एक तो है लंबा तरीका मैथ्स वालों का, वो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे इस पूरे इक्वेशन को, या तो साइन में बना लेंगे या कॉस में, फिर आगे जो कोफिशियंट लगा होगा वो बोलेंगे एम्पलीट्यूड है। वो तो बहुत लंबा तरीका है, कौन करेगा, हम एक छोटा तरीका करेंगे फिजिक्स का। हम क्या करेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगा देंगे, √a² b² 2ab cos, राइट, क्लियर है यहां तक, तो इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब प्रॉब्लम आती है, ए और बी तो पता ही है, एक 3 है और एक 4 है, एक एम्पलीट्यूड 3 है एक 4 है, प्रॉब्लम है इस कॉस फाई की। फाई क्या चीज है, फाई का मतलब है फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंसेस क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर इस टॉपिक पे आते हैं। फेज डिफरेंस के लिए मान लो मैंने आपको एक टर्म दी कॉस ऑफ सपोज पाई बाय 3, ठीक है, कॉस पाई बाय 3, मैंने आपको एक और टर्म दिया, एक और फंक्शन दिया कॉस ऑफ पाई बाय 6, तो ये कॉस के अंदर जो एंगल है वो क्या है, इसका फेज है, एंगल को फेज बोलते हैं, इसका फेज कितना है पाई बाय 3, इसका फेज कितना है पाई बाय 6। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब एंगल का डिफरेंस, तो एंगल का डिफरेंस क्या होगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, सिंपल। तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो फंक्शंस जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके एंगल के डिफरेंस को फेज डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। यहां तक मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके पास इक्वेशन है साइन ऑफ ओमेगा टी, आपके पास इक्वेशन है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो इसका फेज क्या है ओमेगा टी, इसका फेज क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो फेज डिफरेंस क्या है, इस एंगल में से इस एंगल को क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर आएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सॉल्व करके क्या आएगा माइनस पाई बाय 2, ठीक हो गया। तीसरा एग्जांपल, जैसे सपोज मैंने लिया कॉस ऑफ ओमेगा टी, मैंने लिया साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इसका फेज क्या है ओमेगा टी, इसका फेज क्या है ओमेगा टी, फेज डिफरेंस क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों के एंगल को मैं माइनस करके आंसर इसमें मैं 0 बोलूंगा तो आंसर गलत होगा। जब भी फेज डिफरेंसेस निकलेंगे या तो दोनों साइन और साइन में होंगे या दोनों फंक्शन कॉस और कॉस में होंगे, साइन कॉस में माइनस नहीं कर सकते। तो इसके लिए टेक्निक है, आप मैथ्स जानते हैं, आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें आप सबसे पहले साइन को साइन, देखो या तो दोनों को साइन कर लें या दोनों को कॉस कर लें, इसको ऐसी रहने दें। आप एक काम करें, कॉस को लिख लें साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, सही है, ऐसे कर लें, या ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं पसंद कोई बात नहीं, ऐसा कर लें ओमेगा टी प्लस
पाई बाई टू 90 प्लस ओमेगा टी भी तो कॉस ही होता है इसमें, सही है। तो अब इसके अंदर ये फेज ओमेगा टी साइन का और ये साइन का अगेन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब फेज डिफरेंस क्या होगा इसमें, फेज डिफरेंस होगा इनमें ओमेगा टी में से ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को क्या कर देंगे माइनस, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाई टू या पाई बाई टू। इसलिए मैथ्स में शॉर्टकट है, साइन और कॉस में फेज का डिफरेंस स्टैंडर्ड पाई बाई टू होता है, बात ही खत्म। तो जब भी एक फंक्शन साइन हो एक कॉस हो तो लोग सोचते ही नहीं है, पता है कि पाई बाई टू का डिफरेंस एडजस्टमेंट पाई बाई टू से ही होनी है, चाहे साइन को कॉस में कर लो चाहे कॉस को साइन में कर लो। तो इसलिए आपने एक चीज नोट की, जब मैंने इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया तो क्या किया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, साइन और कॉस में एंगल क्या है 90, साइन और कॉस में फेज डिफरेंस 90 है, तो यहां पर क्या पुट किया 90, कॉस 90 क्या है 0, आंसर क्या आएगा 5। इसका भी शॉर्टकट याद रखेंगे, इतना भी नहीं करेंगे तो आज के बाद एक और छोटा शॉर्टकट, अगर एक फंक्शन कॉस है एक फंक्शन साइन है तो जो भी इनके कोफिशियंट्स हैं इनका अगर एम्पलीट्यूड निकालना है ओवरऑल, तो जो भी इनके कोफिशियंट्स हैं इसका स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट लेंगे, एक मिनट में एम्पलीट्यूड आ जाएगा आंसर, इससे छोटा कुछ नहीं है। मतलब इतनी प्रैक्टिस लोगों को हो जाएगी, देखते ही बता देंगे अच्छा साइन कॉस है चलो जी आंसर आ गया डन। तो पॉइंट क्लियर है। और उसी तरीके से अगर मान लो ये क्वेश्चन है और एम्पलीट्यूड निकालना है, ये 3 है ये 4 है, प्रॉब्लम है ये कॉस है ये कॉस है, कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 3 4 इनटू कॉस ऑफ क्या फेज डिफरेंस, तो इसमें से इसे क्या करो माइनस, माइनस करोगे तो क्या आएगा पाई बाय आंसर। समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा इक्वेशंस में, ठीक। ये पहला स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए।